ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਬਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਬਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਕਬਾਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਬਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਾਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ੈੱਫ ਐਟ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ MBD ਹੋਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਰੋਟੀ ਪੇ ਬੋਟੀ ਕਬਾਬਸ ਵਿਦ ਦ ਬੁਫੇ एट कैफे डेलिश इन रेडिसन ब्लू MBD होटल लुधियाना। सो अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कबाब्स हैं, कबाब्स उन रोटी के ऊपर सर्व हो रहे हैं जिस रीजन के वो कबाब्स हैं। जैसे सारे खाते हैं मतलब, बट किसी को पता नहीं होता कि कैसे ये कबाब स्टार्ट हुआ। जैसे हैदराबादी कबाब की हम बात ले लें, किसी को पता नहीं होता कि हैदराबादी कबाब शुरू कहाँ से हुआ, कौन खाता था, कैसे ये बना, उस थोड़े बताओ कि कैसे मतलब ये सारा कुछ आया और किस किस टाइप के कबाब्स हैं और जो हमारे यहाँ आज डिस्प्ले किए हुए हैं, जो लोग आके खा रहे हो, क्या हैं, हर एक का नाम भी बताओ। जी बिल्कुल, जो आज हमारे इधर कबाब हैं ये चार रीजन से हैं इंडिया के, अवधी जो कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, वहाँ पर नवाबों का शासन था तो उन्होंने, उनके जो कुक रहते थे, महाराज रहते थे, उन्होंने शुरू किया था। फिर इसमें हैदराबाद से भी कबाब हैं हमारे पास, राजस्थान से भी हैं और कश्मीर से भी हैं। तो जैसे कि मुर्ग टिक्का मिर्ज़ा हसनू, ये अवधी कबाब है एक। इसके पीछे की कहानी क्या है कि एक नवाब हुआ करते थे, साथ में दिखाओ भी वो है क्या, क्योंकि साथ में हमने अपने दर्शकों को भी दिखाना है कि कैसा दिखता कैसे। ये है मुर्ग टिक्का मिर्ज़ा हसनू। इसके पीछे की कहानी क्या है कि नवाब हुआ करते थे एक अवध के, उनका नाम था असाफुद्दुल्ला। तो उनके वहाँ पर एक खानसामा थे उनके, उनका नाम था मिर्ज़ा हसनू। तो उन्होंने अपनी एक अलग ही इनोवेशन की, काजू का पेस्ट, उसके अंदर सैफरन, और उससे उन्होंने एक चिकन का टिक्का बनाया। तो जिसको उनके नाम के ऊपर, जो बनाने वाले खानसामा थे उनके नाम के ऊपर पड़ा, जिसका नाम था मिर्ज़ा हसनू, तो उसको बोलने लगे हम मुर्ग टिक्का मिर्ज़ा हसनू। वैसे ही है, और भी कहानियां हैं। जैसे अगर गिलाफी से रेडी कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्पाइसेस डले होते हैं? इसके अंदर पूरे इंडियन स्पाइसेस होते हैं, एक 55 तरह के टोटल स्पाइसेस होते हैं इसके अंदर। तो मेन जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसके, वो होता है दही, काजू का पेस्ट, सैफरन, ये तीन इंग्रेडिएंट मेन हैं। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर जाता है, लौंग का पाउडर जाता है, और खड़े मसाले होते हैं, दगड़ का फूल रहता है एक, उसका पाउडर मसाला बन के जाता है। तो इसके अंदर टोटल 55 मसालों का मिक्सचर होता है जो इसके भी अंदर जाता है। तो जिसमें से मेन आज का जिसका जायका एकदम उभर के आता है वो है सैफरन, केसर। केसर का जायका एकदम इसमें उभर के आता है, उसी की वजह से इसका रंग भी थोड़ा सा येलोइश में जाता है। आपने बताया था कि जिस रीजन का कबाब उसी रीजन की रोटी, इसके साथ कौन से क्या कौन सी रोटी होती? इसके साथ हम दे रहे हैं उल्टे तवे का पराठा। उल्टे तवे का पराठा जाएगा इसके साथ, और वो भी सेम उसी रीजन से। उल्टे तवे के पराठे के पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, इसमें भी सैफरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहता है और थोड़ा सा मीठापन आता है इसमें आखिरी में, जब आप खाएंगे ना तो थोड़ा सा मीठापन आएगा जो इस कबाब के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आप इस कबाब को खाएंगे और उसके साथ उल्टे तवे का पराठा जाएगा तो उसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो। तो ये है उसके पीछे का जो इसके साथ पराठा जाता है। कौन से रीजन का था ये? अवध से, अवधी है जी। नेक्स्ट हमें बताइए, कश्मीरी का बताइए। कश्मीरी का बताते हैं आपको, कश्मीरी जैसे गिलाफी सीख कबाब है। तो गिलाफी का मतलब होता है गिलाफ, गिलाफ मतलब किसी के ऊपर चढ़ा हुआ पर्दा। तो मटन का बनता है बेसिकली, वो मटन का मिंस रहता है अच्छे से, उसके ऊपर पर्दा लगता है प्याज का, थोड़ा सा शिमला मिर्च का, मसालों का, और उसके ऊपर वो पर्दा पड़ा है अभी दिखाने के लिए। ये है और उसके साथ क्या है, इसका नाम बताना? गिलाफी सीख कबाब जी। उसको हम सर्व करते हैं कश्मीरी नान के साथ। अब कश्मीरी नान क्या होता है कि एक नान ही है, खमीरा हुआ ज़्यादा होता है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ केसर, केसर हो गया आपका, थोड़ा सा किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया। तो ये उस नान के ऊपर लग के जाते हैं जिसमें रिचनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये है उसके पीछे की कहानी। आजकल लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस भी कई हो गए हैं, जैसे मटन में या कहते हैं कि रेड मीट में बहुत ज़्यादा मतलब कैलोरीज होती हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनके लिए कैसा रहता है? उनके लिए भी इसमें फैट कंटेंट, हाँ जी, थोड़ा रहता है ज़्यादा, लेकिन अगर आप खाने की चीज़ में कर रहे हैं और अगर गिलाफी सीख जैसी चीज़ खा रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अगले दिन आप थोड़ी सी ज़्यादा जिम कर लीजिए, लेकिन एक दिन के लिए आप कभी एक हफ्ता निकाल के, बिल्कुल एक हफ्ता निकालिए, एक दिन निकालिए हफ्ते में किसी भी दिन, अगले दिन थोड़ी ज़्यादा जिम भाग लीजिए या ज़्यादा भाग लीजिए, तो वो बर्न हो जाएगा।
तो कैलरीज यस थोड़ी से ज़्यादा होती हैं क्योंकि फैट भी रहता है उसके अंदर, घी भी रहता है, और ये रिच हैं, कश्मीर से हैं तो रिच हैं, ड्राई फ्रूट्स रहेगा उसके अंदर भी आपके रहेगा, तो उसकी वजह से अगले दिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक दिन में आपका मज़ा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? बहुत अच्छी अच्छी डिशेज है, हमने टेस्ट भी करना है बाद में। नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल, इसमें है नेक्स्ट गलावटी कबाब। गलावट के कबाब हैं, ये भी अवधी डिश है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी शानदार कहानी है। एक नवाब हुआ करते थे असदुद्दौला, उनकी एक कहानी थी, वो बहुत ही मतलब दिल फेंक इंसान थे एकदम, अगर कुछ है तो वो लुटाते थे अपनी ज़मीन। तो एक उनके पीछे एक कहावत भी थी कि जो खुदा नहीं देगा वो असद देगा। हाँ, तो इतने दिल के खुले हुए, खुले दिल वाले थे, खुले दिल वाले थे, बहुत अच्छी पसंद आ गई, ले ली, ले लेनी है जी बिल्कुल। और मतलब बताइए, अगर कहावत है उनके पीछे कि अगर खुदा नहीं देगा तो असद देगा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उनके ही एक खानसामा थे, उन्होंने, अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, दांत भी थोड़े गिर चुके थे, तो उनके एक खानसामा थे, उन्होंने असदुद्दौला जी ने उनको बोला कि मेरे को कुछ ऐसा कबाब दो, मटन में ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर स्पाइसेस भी होनी चाहिए पूरी, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मेरे को चबाना ना पड़े। तो उनके लिए उन्होंने गलावट के कबाब बनाए जो मुंह में जाते ही पिघल गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से गलावट के कबाब बने, उस पे दिल आ गया उनका, उस पे दिल आ गया उनका जी बिल्कुल। तो इसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कबाबों के पीछे। तो ऐसे नवाब और निज़ाम हुआ करते थे जो मतलब खाने के लिए ही रहते थे, उनकी पूरी एक टीम रहती थी उनके खानसामाओं की जो खाना बनाते थे उनके लिए, और उनको आदेश था कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, हमें सेम डेली की डेली आप हमें एक ही चीज़ नहीं खिलाएंगे, आपको हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एज जाती गई, उनके दांत जाते गए, तो डिशेज भी आती गई बिल्कुल। तो गलावटी, और इसके अंदर 155 मसाले डलते हैं टोटल जी, 155 तरह के मसाले डलते हैं इसके अंदर। तो याद कैसे रहते होंगे कि 155 मसाले डाल ये था पहले के खानसाओं में मतलब, और अभी भी अगर आप शेफ का प्रोफेशन देखें तो उनके अंदर पैशन रहता था उनके अंदर। तो शेफ का मतलब अगर खाना बना रहे हैं कुछ और आगे गेस्ट बैठा है, वो बोल के जाए वाह शेफ मज़ा आ गया क्या बनाया है, तो मतलब समझ लीजिए वो दिन उनका चूमने तक जाए लोग बिल्कुल, तो समझ लीजिए उनका वो दिन साकार हो गया, अगर फिर वो सातवें आसमान पे है। तो ये है शेफ लोगों की कहानी। तो पहले हुआ करते थे, उनको था आदेश। सर गलौटी कबाब के बारे में आप बता रहे थे, इसके बाद कौन सी डिशेज के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया कि मुँह में जाके पिघल जाता है, उसके बाद कौन सी डिश? चलिए, गलौटी के बाद एक और बड़ी मज़ेदार डिश है नुक्ती के कबाब। तो नुक्ती के कबाब, इसमें क्या होता है कि मटन होता है, उसके छोटे छोटे चंक्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको 120 स्पाइसेस के अंदर पकाया जाता है। तो 120 स्पाइसेस, वो धीरे 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 कम होके, अभी ऑथेंटिसिटी में कुछ रहा नहीं है लोगों का इतना, तो वो कम हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि ब्राउन अनियन होती हैं थोड़ी सी, उसके साथ मटन को पकाया जाता है, उसके अंदर बाकी फिर मसाले ही डलते हैं, 120 तरह के मसाले उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर वो बनता है, छोटे छोटे चंक्स रहते हैं। इसको हम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे रुमाली रोटी के साथ, तो रुमाली रोटी नीचे रहेगी बेस में, उसके ऊपर नुक्ती कबाब, और आप उसको उठा के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ एक इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं मसालों के। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ की डिश? ये भी सेम अवध की है जी बिल्कुल। मेन कबाब का क्या ओरिजिन? अवध है, अवध और निज़ाम कबाब, मतलब इन्हीं के हैं, नवाब के और निज़ाम के, तो यही दो हैं, उनके शौक थे जी, उन्हीं के शौक थे जिन्होंने कबाब लाया। और कबाब मिडल ईस्ट से शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर इंडिया में भी पॉपुलर हुआ, लेकिन जो मेन ओरिजिन है कबाब का वो मिडल ईस्ट से, और नवाब और निज़ामों से हैं। तो उनको शौकीन थे खाने के, तो शौकीन थे तो खाने के वो, और हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन वाला तो सिस्टम ही नहीं होता था पहले इतना, तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो उन्होंने इनोवेशन करते गए, नए नए कबाब आते गए। तो बेसिकली आपको जो कबाब मिलेंगे वो इन्हीं दो से मिलेंगे, नवाबों से और निज़ामों से। उसके बाद कौन सा कबाब? उसके बाद है कीमा कुलचे के साथ। अच्छा। कीमा कुलचा जी, अब आपको इसको कहीं का भी मान लो, पंजाब में भी बड़ा फेमस है ये, फिर हैदराबाद के अंदर भी बहुत फेमस है, कश्मीर में भी बहुत फेमस है, तो ये सबका एक मिला के, तो ये एक कॉमन सी डिश हो गई कि अगर कोई भी जाएगा बाहर कीमा और कुलचा दे दो, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो उसी के अंदर है ये।
हमने इसमें थोड़ा सा डाला है वेरिएशन, मटन कीमा की जगह हमने चिकन कीमा किया है, क्योंकि चिकन कीमा खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल, तो चिकन कीमा है उसके साथ एकदम बढ़िया बेक किए हुए कुलचे हैं, उसी के कीमे के मसाले के अंदर ही कुलचे को गर्म करके उसके ऊपर डाल के और परोस रहे हैं हम यहाँ पे। इधर वाली साइड भी बहुत कुछ है, इधर भी थोड़ा बताइए कि क्या क्या कुछ है। हमारा वेजिटेरियन कबाब है यहाँ पर ये सारे, तो इनमें अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर कबाब की कहानी बताऊंगा जिसकी बड़ी ही शानदार कहानी है, वो है दही के कबाब। सभी ने खाए होंगे पर किसी को पता नहीं होगा कि दही कबाब शुरू कहाँ से हुआ, कि क्या इसकी हिस्ट्री है। बिल्कुल, सो दही के कबाब की क्या हिस्ट्री है कि अकबर तो सब जानते ही हैं, तो अकबर की जब शादी हुई जोधा भाई के साथ, तो जोधा भाई के जितने भी खानसामे थे वो जोधा भाई के साथ गए, तो जोधा भाई वेजिटेरियन थी, तो उनके जो खानसामे थे वहाँ पर दही का कबाब, और वहाँ पर ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन बनते थे, तो दही का कबाब के इतना लोगों को पता नहीं था वहाँ पे, तो उनके जो खानसामे गए वहाँ पर उन्होंने दही के कबाब खाए बनाए। जो वहाँ पर अकबर जी के जितने भी दरबारी थे उन सबको भी वो बहुत पसंद आया, तो उसके बाद से ये फेमस होना शुरू हुआ है कि दही के कबाब, नहीं तो उससे पहले उसको कोई जानता नहीं था। तो बेसिकली रूट दही के कबाब का राजस्थान से है। हाँ, तो कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि अरे राजस्थान से है, नहीं राजस्थान से नहीं, अरे वो हैदराबाद से है या अवध से है, तो वो नहीं है, मेन जो उसका ओरिजिन है वो राजस्थान से है। तो इसको सारे ड्राई खा लेते हैं जैसा है, इसके साथ तो नहीं, मतलब कोई कोई रोटी के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रोटी के साथ, लेकिन हाँ हम यहाँ पर इसको रोटी के साथ भी दे रहे हैं, अगर मकई की रोटी है, हाँ मकई की रोटी के साथ दे रहे हैं, या बेसन की रोटी है जैसे मिसी रोटी बोलते हैं, मिसी रोटी बड़ी फेमस है राजस्थान में भी, तो मिसी रोटी के साथ भी हम इसको दे सकते हैं। वैसे हम खस्ता रोटी के साथ दे रहे हैं क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, वो खस्ता रहेगा नीचे, ऊपर से एकदम दही के कबाब मुलायम सॉफ्ट, नीचे से खस्ता रोटी, तो आप खाएंगे तो खस्ता रोटी का थोड़ा सा कड़कपन आएगा और दही के कबाब का नरमपन, हाँ तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये है हमारा बड़ा बड़ा रोटी पे बोटी का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी साढ़े नाल इतने के शेफ राजकुमार जी, जिन्होंने दिखाया और चीज़ा देखने भी बहुत सोहनिया लग रही ने, जिस तरह की प्रेजेंटेशन है, जिस तरह के नाल इन्हों सजाया होया, तो जो इन की हिस्ट्री पता लग जाए कि यह कितों शुरू हुए थे, किहड़े नवाब इन्हों खाते थे, तो इन्हों का स्वाद जो होर दुगुना हो जाता। तो वधेरे अपडेट्स से सानू जुड़े रहो, कैमरामैन सतन मठाड़ू के नाल सनमजीत सिंह भल्ला लुधियाना।